हेलो गाइस, वेलकम टू माय इसवे एजुकेशन फॉर्मेशन चैनल। गाइस, हम लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के प्रेजेंट हैं, प्रीपोजिशन का। यहाँ पे देखेंगे टीजीटी, पीजीटी और केबी, यूपी टेट, सी टेट, हर एग्ज़ाम में, चाहे आईएएस हो, पीसीएस हो, किसी भी एग्ज़ाम में आप देखेंगे तो प्रीपोजिशन ज़रूर होता है। तो आपके टीजीटी पीजीटी में मोस्टली करके 4-5 प्रश्न इसे प्रीपोजिशन से रहेंगे। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा डायग्राम में, यहाँ पे क्लॉक भी दिख रही होगी, वॉच दिख रहा है, कैलेंडर दिख रहा है, तो आपको लग रहा होगा कि ये सब क्यों है। तो बहुत ही आपको कुछ ऐसे प्रीपोजिशन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप एकदम बिल्कुल चुटकियों में समझ जाओगे इसको। इसके माध्यम से, टूल्स के माध्यम से हम समझाने की कोशिश करेंगे, और इसके बाद हम एमसीक्यू भी लगाएंगे। 10 प्रश्न इस पे बेस पे हम समझाने के बाद बीच बीच में लगाते रहेंगे, ताकि आपको समझ में आ जाएगा, और कमेंट करेंगे कि आपको कितना समझ में आया, अच्छा आया। तो इस तरह के कलेक्शन वीडियो हम आपको ज़रूर लेकर के आएंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखेंगे हमारा पहला कलेक्शन यहाँ पे दिख रहा होगा। आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे क्यों कैलेंडर रखा गया है, क्यों घड़ी रखी गई है ना। तो यहाँ पे देखेंगे ऐड का प्रयोग हुआ है ना, तो ऐड का जो है क्लॉक टाइम के लिए ऐड का प्रयोग हमेशा करते हैं। यहाँ पे देखेंगे 5 o'clock ना, और यहाँ पे देखेंगे टाइमिंग के लिए आन का भी प्रयोग होता है और इन का भी प्रयोग होता है। तो यहाँ पे देखेंगे कैलेंडर होता है ना, कैलेंडर में 4 चीज दिया होता है, 4 चीज क्या होता है, और इन 4 चीजों में हम देखेंगे 5वां चीज होता है, एक सीजन आ जाता है ना। तो सीजन यहाँ पे देखेंगे 4 चीज का मतलब डे होता है, ठीक है, संडे, मंडे, जनवरी, फरवरी, ईटीसी, डे में आ जाएगा। अब कैलेंडर में ही डेट हमारा आता है। दूसरी पॉइंट पे आज कितना है, जैसे कि जनवरी में 21 जनवरी, 20 फरवरी, 3 जनवरी, कुछ भी ईटीसी, ये डेट आ गए हमारा। तो आन का, 2 के साथ हम संडे, मंडे और डेट का पता चले तो आन का प्रयोग करोगे, और जहाँ पर ईयर्स दे 2010, 2009, 11, 12, उसके लिए हम ईयर्स के लिए हम इनका प्रयोग करेंगे, और जहाँ पर डायरेक्ट मार्च, अप्रैल, जनवरी, फरवरी दे दे, मंथ के नेम दे दे, तो वहाँ पे भी उससे पहले इनका प्रयोग करेंगे। और उसी में अगर डेट इंक्लूड कर दिया जाए कि 21 मार्च, 22 मार्च, 23 जनवरी, तो कुछ भी हो, तो वहाँ पे हम आन का प्रयोग करेंगे। जहाँ पर डेट को इंक्लूड कर दिया गया, देखिए फरवरी के साथ डेट इंक्लूड, इसलिए आन का प्रयोग किए। जहाँ पर डेट ना हो, बस मंथ का पता चले, तो वहाँ पर इनका प्रयोग करेंगे। ईयर्स के लिए देखेंगे, यदि ईयर्स बताया जा रहा है तो वहाँ पे यदि पास्ट का जो परफेक्ट पता चले, होता है ना परफेक्ट पता चले, परफेक्ट का कंटिन्यूअस होता है कि फार सिंस का प्रयोग होता है वहाँ पर, तब हम सिंस का प्रयोग करेंगे। जब वहाँ पे परफेक्ट टेंस नहीं होता है तो नॉर्मली सेंटेंस के साथ हम इनका प्रयोग करेंगे, ईयर्स के साथ, ठीक है। सीजन आ जाएगा तो सीजन के साथ भी आप इनका प्रयोग करोगे। आ जाते हैं यहाँ पे मॉक टेस्ट लगाते हैं हम, एमसीक्यू रखते हैं आपके सामने। आई होप कि आप पहले लगाएंगे, फिर आंसर मैं प्रेजेंट पीछे करूंगी। यहाँ पे एट और अन इन, इसमें से आप बताएंगे किसका प्रयोग करोगे। अभी मैंने बताई कि संडे, मंडे, जनवरी, फरवरी के साथ किसका प्रयोग करेंगे, तो आई होप आपने अब लगा लिए होंगे। मैं इसका आंसर आपके सामने प्रेजेंट करती हूँ, तो अन का प्रयोग हो जाएगा। आपको सेंटेंस पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बस संडे आपने देखा और अन का प्रयोग कर दिए। गाइज नेक्स्ट पे चलते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा है ना, बिल्कुल आपको पूरे सेंटेंस को रीड करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे देखेंगे इनमें से क्या लगेगा, यदि मैंने पहले समझाया, समझ में आया हो तो आप जरूर लगा लेंगे। यहाँ पे दिया है 5th June दिया है ना, तो आप आई होप कि लगा लेंगे। यहाँ पे किसका प्रयोग होगा गाइस, तो आप सेलेक्ट कर लेंगे, मैं उत्तर दिखा देती हूँ, आन का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। यदि यही चीज ये नहीं रहता, बस ओनली 1 June रहता, तब हम यहाँ पे किसका प्रयोग करते हैं गाइस, इनका प्रयोग करते। अब जब यदि ये है तो यहाँ पे आन का प्रयोग होगा। नेक्स्ट हम मॉक टेस्ट लगाते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा है कि हम यहाँ पे पढ़ने की कोशिश सेंटेंस नहीं कर रहे हैं, बस ओनली वन आप लास्ट के वर्ड को देखें और सेलेक्ट कर दिए। यहाँ पे जनवरी दिया हुआ है, तो आई होप कि गाइज आपने अपना सेलेक्ट कर लिए होंगे। चलिए मैं प्रेजेंट कर देती हूँ आंसर इसके सामने, इनका प्रयोग होगा। यदि यहाँ पे 3 January दे देता तो आप क्या लगाते हैं, यहाँ पे आन का प्रयोग करते है ना। अब यहाँ पर ये नहीं है तो इसका लिए इनका प्रयोग करेंगे। आई होप आपको अच्छा लगेगा, कमेंट करके जरूर आप बताएंगे। यहाँ पे देखेंगे वी आर गोइंग टू, अब यहाँ पे मैं क्यों पढ़ रही हूँ, पूरा पढ़ना नहीं है मुझे, क्योंकि मैं तो ये लास्ट का वर्ड देख करके मैं सेलेक्ट कर दे रही हूँ ना। तो आई होप कि इसका तो मैं बताई भी नहीं हूँ अभी, मॉक टेस्ट रख दी, तो इसका मतलब मैं उत्तर मुझे बता देना चाहिए आपको, फार का प्रयोग, सॉरी आन का प्रयोग होगा नेक्स्ट के लिए है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं, कुछ बेसिक चीज़ें इसको आप दिमाग में रखेंगे इन और एट के लिए। यदि देखेंगे लास्ट में क्या दिया हो, द मॉर्निंग हो,
द आफ्टरनून दिया हो, द इवनिंग हो, द नाइट हो, द मिड नाइट हो, तो इसके लिए आप इनका प्रयोग करोगे। यदि वही मॉर्निंग के लिए डाउन का प्रयोग हो, इसके मीन्स भी मॉर्निंग होता है, नून मीन्स भी होता है, तो इसके लिए एट का प्रयोग करेंगे। डस्क का भी क्या करेंगे, एट का प्रयोग करेंगे। और मिड नाइट के लिए इसमें हम रॉन्ग कुछ बोले हैं, तो मिड नाइट के लिए एट का प्रयोग करोगे। और नाइट ओनली वन, मिड नाइट दे तो आप प्रयोग करोगे एड का। चलते हैं टेस्ट लगाते हैं। यहाँ पे देखेंगे पांचवां प्रश्न हमारा चौथा उसमें हो चुका था, तो पांचवां हम देखेंगे। यहाँ पर हम बस हमें वर्ड ही देख करके लगा लेना है ना, इसके साथ इनका प्रयोग हमें करना है। और यहाँ पर स्ट्रीट्स के साथ भी इनका प्रयोग होगा, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन ए है, तो मैंने गलत कर दिया, आपको बता दिया, ठीक है, आपका यही ऑप्शन दिस करेक्ट हो जाएगा, आप लगा लेंगे। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया कि आई हैव, इसे भी मुझे नहीं पढ़ना है क्योंकि मैं तो लास्ट का ही अभी मुक टेस्ट लगा रही हूँ, देख करके अर्थ नहीं निकालना है मुझे। यहाँ पे दिया है, अब ये देखना है कि हमने बताया आपको ना कि जहाँ पर यदि दिया हो पास्ट किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, तब हमें वहाँ पर इन का प्रयोग नहीं करना है, तब इन लगाएंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। तब हमें वहाँ पर लगाना क्या है, फॉर सिंस का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर आप सिंस लगाओगे, है ना, आई होप अंडरस्टूड। अब इससे रिलेटेड सिंस यहाँ पे लग गया है, उत्तर हमने दिखा दिया। नेक्स्ट हम देखते हैं, चलिए हम आपको बता देते हैं फार सिंस का प्रयोग ना। यहाँ पे देखेंगे पॉइंट ऑफ टाइम्स के लिए सिंस का प्रयोग करेंगे, डायरेक्शन के लिए फार का प्रयोग करेंगे। निश्चित और अनिश्चित दोनों पॉइंट्स दिया हुआ है। देखेंगे पॉइंट्स ऑफ टाइम के लिए मॉर्निंग दिया हो, है ना, यहाँ पे सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस 21 फरवरी, और सिंस 2011-2010, सिंस मार्च, इसके लिए सिंस का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे देखेंगे इसके लिए फॉर 2 आवर्स, फॉर 5 मंथ्स, फॉर 3 ईयर्स, 5 डेज, फॉर ना, आई होप कि अंडरस्टूड। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका मुख टेस्ट लगाते हैं। यहाँ पर आठवां प्रश्न, 7 प्रश्न उसमें हो चुके थे, तो आई हैव बीन लिविंग देयर। अब हमें सेंटेंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं, यदि हम समझ गए हैं तो आप इजीली से लगा सकते हैं। यहाँ पे दिया है कि 5 मंथ्स, अब आपको खुद इसको आप निश्चित अनिश्चित करेंगे तो आप क्या लग जाएगा, फार का प्रयोग होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं गाइज, यहाँ पे आपको समझने की कोशिश करना है ना, प्लेस के लिए एट और इन। देखेंगे हम हिंदी में बताना चाहेंगे आपको कि छोटे स्थान, छोटे स्थान नगर कस्बे के लिए हमें ऐट का प्रयोग करना है, और बड़े नगर कस्बे सिटी शहर के लिए हम देश के लिए इनका प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे स्मॉल प्लेस के लिए ऐट का प्रयोग हुआ है, और स्पेसिफाई प्लेस के लिए ऐट का प्रयोग करना है। बिग सिटीज़ के लिए इनका प्रयोग करेंगे, स्टेट के लिए भी इनका प्रयोग करेंगे, कंट्री के लिए इनका प्रयोग, आई होप अंडरस्टूड। चलते हैं टेस्ट में देखते हैं। यहाँ पे उसी से रिलेटेड टेस्ट लगा हुआ है गाइज, तो आप बताओगे इसमें क्या लगेगा। इंदिरा नगर दिया हुआ है ना, यहाँ पे बॉम्बे दिया हुआ है, यहाँ पे दिल्ली और यूपी, इसमें दोनों चीज़ प्रयोग होगा, एट और इन। अब आप बताओगे किसके साथ एट का प्रयोग करोगे, किसके साथ इन का प्रयोग करोगे। अब यहाँ पे देखेंगे विलेज दिया हो, अब विलेज में क्या लगेगा, चलिए यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ आपको, है ना, आ जाते हैं आंसर पे, देख लेते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे एट का प्रयोग, क्योंकि हमने आपको बताया कि छोटे के लिए हमें किसका प्रयोग करना है, एट का, ना किसी छोटे नगर का नाम है। बॉम्बे बड़ा शहर है, इनका प्रयोग हुआ। दिल्ली भी छोटा है बट यूपी जो है बड़ा है ना, तो इनका प्रयोग किए। यहाँ पे विलेज के लिए, पूरे विलेज में कई एक विलेज है, गांव है, बहुत बड़ा है ना, उसके लिए इनका प्रयोग किए। यहाँ पे देखेंगे ये भी छोटे के लिए, बड़े के लिए इनका प्रयोग कर रहे हैं। तो नेक्स्ट सीरीज की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आप इसी तरह से इन और इनटू में अंतर देखेंगे ना। इन तो स्थिर वस्तुओं के लिए प्रयोग होता है, इनटू का मोशन के लिए प्रयोग होता है। तो यहाँ पे देखेंगे फ्रॉग इज है इन द पॉन्ड, कहाँ पर है, तालाब में है, गति नहीं कर रहा है, स्थिर है तालाब में। यदि बच्चों को, स्टूडेंट इन द क्लास, तो बच्चे भी क्लास में स्थिर है ना। अगर टीचर इनटू द क्लास, तो टीचर गति से क्लास में एंट्री करता है ना, वहाँ पर प्रयोग हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे फ्रॉग जम्प्ड इनटू पॉन्ड, क्या करता है, गति करता है, इसलिए यहाँ पर इनटू का प्रयोग हुआ है। टीचर इन द क्लास रूम, ये तो ऑलरेडी हम दोनों एग्जांपल दे चुके। यदि कम क्लास में गया, गति किया, यहाँ पर बच्चे स्थिर होकर के बैठे हुए हैं। नेक्स्ट देखेंगे ब्रश इनटू टीयर्स, अब ये भी हमारे गति है, दोनों में गति है। अब देखते हैं लास्ट, यहाँ पर देखते हैं आन अपान आन टू का मुख टेस्ट है ना, तो ये लास्ट है। यहाँ पर देखेंगे कैट इज ऑन द टेबल, कैट कहाँ पर है, टेबल पर है, तो इसलिए आन का प्रयोग करेंगे, जंप्ड अपॉन द टेबल। अब यहाँ पर टेबल पर जंप्ड की ना कि नीचे कहीं,
है तो यहाँ पर इंटू हो जाता, और यहाँ पे अपान में की है ना, तो यहाँ पे अपान का प्रयोग करेंगे। गाइज आई होप कि आपको अच्छा समझ में आया होगा, जैसा समझ में आया हो कमेंट करके बताएंगे कलेक्शन कैसा लगा, आई होप अच्छा लगेगा आपको।